आज हम लोग बात करते हैं इस तरह की जो जानकारी निकल के आई है और इसमें जो है हम लोग का जो है बाढ़ पूर्व तैयारी यानी कि हम लोग को जो बाढ़ से पहले तैयारी करनी है कुछ जिलों में दिया गया है और इसमें जो है जिला प्रशासन दरभंगा एवं यूनिसेफ के द्वारा यानी कि इनके द्वारा जो है 3 जून यानी कि 3 जून से प्रशिक्षण आयोजन किया गया है यानी कि आज से ही प्रशिक्षण शुरू किया गया। प्रशिक्षण के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर बाढ़ पूर्व की गई तैयारी की संबंधित सूचना है यानी कि आप लोग को जो है बाढ़ की तैयारी पहले ही आप लोग को करना है और इसमें जो है देख रहे होंगे कि 8 जून तक सबमिट आप लोग को कर देनी है। जैसे कि सबसे पहले देखिए कि ये लिंक दिया गया है, ये लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं इस तरह से तो आप लोग को इस तरह से खुलेगी और कौन कौन सा जिला में जो है आप लोग को जो है सबमिट मारनी होगी यानी कि सूचना देनी होगी यानी कि इस तरह से जो है बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु चेकलिस्ट ICDS 2022 यानी कि। तो इस तरह से हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे जो है जिला जो आप लोग को दिख रही होगी फर्स्ट नंबर में आप लोग को मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, पूर्णिया है और सुपौल है। ये जो है 1 2 3 4 5 6 है यानी कि 6 जिले वाले को जो है आप लोग को जो ये जो है सबमिट मारनी है और अगर आप लोग को ये लिंक नहीं मिल रहा है तो आप लोग ज़रूर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप लोग लिंक उठा सकते हैं और ये जो है आप लोग जो है 8 तारीख से पहले ही आप लोग क्या कीजिएगा कि ये जो है चेकलिस्ट आप लोग को सबमिट मारनी है। जैसे कि आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो है बाढ़ पूर्व तैयार है तो चेकलिस्ट जो है ICDS 2022 जो है यहाँ पे किनको किनको करनी है यानी कि ये जो है चेकलिस्ट जो जिला प्रशासन एवं यूनिसेफ के द्वारा जो है यानी कि ग्राम पंचायत और मुखिया सरपंच आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा पंचायत रोजगार इस तरह से जो है इन लोगों को जो है भेजी गई होगी लिंक। जैसे कि सबसे पहले तो देखिए कि आप लोग को जो है बुनियादी जानकारी यानी कि आप लोग को जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम तो सबसे पहले देखिए आंगनवाड़ी जो है उनका कार्यकर्ता का यहाँ पर आप लोग को जो है नाम देना है। जो आपका नाम होगा वो नाम आप लोग डाल जिएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का होगा इस तरह से होगा डाल लीजिएगा, मतलब 10 अंक का होता है तो इस तरह से मोबाइल नंबर आप लोग डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जिला का नाम है यानी कि जो जिला से होंगे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सुपौल जो जिले से होंगे इस तरह से टिक कट मार के आप लोग आगे बढ़ेंगे यानी कि सीतामढ़ी में हम लोग क्लिक किए तो यहाँ पे जो है प्रखंड इस तरह से हम लोग का शो कर देगा, जो प्रखंड से होगा तो इस तरह से आप लोग को शो कर देगी। मान लीजिए कि पूर्णिया में क्लिक करते तो इस तरह से जो है हम लोग का जो है प्रखंड का नाम चूज करना होता है इस तरह से जो आपको आ जाएगी। तो इस तरह से जो है आप लोग जो प्रखंड से आते हैं इस तरह से क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है आप लोग को जो यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत का नाम यानी कि कौन सा पंचायत का पंचायत से आते हैं इस तरह से जो है आप लोग को जो है सेलेक्ट कर लेनी है। जो पंचायत से होंगे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो दिया गया है केंद्र का नाम एवं नंबर यानी कि जो है केंद्र का नाम डालिए यहाँ पे, जो आपको होगा 1 हो सकता है, 162 हो सकता है, 327 हो सकता है, जो केंद्र का जो केंद्र का नाम एवं नंबर आप लोग को डाल सकते हैं। मान लीजिए जो केंद्र का होगा, मान लीजिए जो जिला का होंगे उस जिला में जो है केंद्र का नाम होगा, उसके बाद यहाँ पे नंबर डालनी है यानी कि कोड आप लोग को डाल लेनी है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आप लोग को पूछा जा रहा है क्या आपको कोविड का टीका लगा है, तो आप लोग जो है आंगनवाड़ी सेवक का हाँ करेंगे इस तरह से और आगे फिर बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है अभी तक कौन सा डोज लगा है यानी कि आप लोग को जो पहला डोज, दोनों डोज और यह भी बूस्ट डोज यानी कि आंगनबाड़ी सेविका का कौन कौन सा डोज लगा है। अगर फर्स्ट लगा होगा तो फर्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, डबल डोज होगा या बूस्ट डाल दिए होंगे तो बूस्ट पे, तो डबल डोज अगर लिए होंगे तो डबल डोज पे मारेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे क्या आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर बाढ़ प्रभावित होता है, तो आप लोग को क्या करना होगा कि हाँ क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर नहीं करता होगा तो आप लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद यहाँ पे जो है आगे बताया जा रहा है क्या आपके बाढ़ की तैयारी अस्थाई रूप से संचालन हेतु जगह का चयन कर लिया है, तो आप लोग हाँ करेंगे यानी कि अगर किए होंगे जगह का चयन कि हम लोग जो है बाढ़ आते हैं तो यहाँ पे हम लोग जाके आंगनबाड़ी चलाते हैं, तो इस तरह से हाँ और नहीं में इस तरह से जवाब देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आगे बढ़ने के बाद उस स्थान का नाम बताइए, अगर आपने जब इस आंगनबाड़ी केंद्र का जो है स्थान चूज कर लिए होंगे तो मान लीजिए कि जो गांव से होंगे, मतलब अलग अलग गांव में जाके आप लोग चलाने लगे होंगे तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे कि यहां से चूज कर लेंगे यानी कि अपना जहां पे जो है बाढ़ नहीं आती है वहां तक नहीं पहुंचती है, तो इस तरह से जो है आप लोग यहां पे नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद यहां पे जो है चौथा नंबर में आप लोग देख रहे हैं क्या आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर सभी आवश्यकता एवं महत्वपूर्ण सामानों का सुरक्षा
स्थान पर रख दिया गया है, तो आप लोग क्या करेंगे कि हाँ में जवाब देंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और लास्ट में यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से। और पचवा में इस तरह से, क्या आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर संबंधित वस्तु ये जैसे राशन, रसोई गैस या जो भी ईंधन उपयोग होता है इत्यादि का भंडारण कर लिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, भंडारण कर लिया गया है तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग देखिए कि 6 नंबर में आप लोग देख रहे होंगे क्या आपके सभी बच्चे के कुपोषित की जांच कर ली गई है। तो आप लोग अगर मान लीजिए आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे अगर कुपोषित का जांच किया गया होगा तो आप लोग हाँ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं किए होंगे तो नहीं पे इस तरह से क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर हाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो है कुछ ऑप्शन दिया गया है, कितना बच्चे का संख्या में जो है आप लोग का जांच हुआ है, कुल कुपोषित बच्चे कितना पाया गया है, कुल अति कुपोषित कितना पाया गया है, इस तरह से हम लोग चूज करेंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे नहीं पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आगे फिर से बढ़ जाएंगे। और लास्ट में आप लोग को देख रहे होंगे 9वां नंबर, ये जो है प्रश्न जो है क्या ऐसे गर्भवती महिला जिनकी सूची तैयार कर ली गई है जिनकी डिलीवरी बाढ़ के दौरान होगी, तो आप लोग को जो है इस तरह से जो है तैयारी करनी है। यानी कि मान लीजिए कोई गर्भवती है, उनका सूची आप लोग बना लिए होंगे और आप लोग तो जान रहे होंगे कि मान लीजिए कि बाढ़ कब आती है, तो बाढ़ के समय में अगर डिलीवरी होता है तो वही आप लोग को पूछा जा रहा है। अगर बाढ़ में डिलीवरी होता है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप लोग नहीं इस तरह से करेंगे, हाँ करेंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग ऐसा गर्भवती महिला की संख्या कितनी होगी तो आप लोग यहाँ पे संख्या दर्ज कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो अभी भी पता कर सकते हैं कि बाढ़ में कौन सा जो है महिला जो है यहाँ पे गर्भवती है और कितने होगी। तो यहाँ पे आप लोग संख्या दर्ज कर लेंगे 5-10 जो भी हो अगर गर्भवती महिला होंगे तो। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और लास्ट में चेकलिस्ट भरने की तिथि, यानी कि आज का तिथि अगर आप लोग यूज करते हैं, अभी जो हम लोग आज अभी जो बता रहे हैं अगर आज हम लोग किए हैं तो 3 तारीख डालेंगे इस तरह से, अगर 4 को किए होंगे तो 4 को करेंगे इस तरह से, अगर हम लोग का लास्ट 8 तारीख को कर रहे हैं तो 8 इस तरह से क्लिक करेंगे। और लास्ट में इधर आते हम लोग लास्ट में क्या करेंगे कि यहाँ से सबमिट मार देंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग का जो है चेक लिस्ट भर के और चली जाएगी। और इसी तरह से जो है आप लोग इसको ज़रूर सबमिट मारिए, ये जो जितने जिले वाला आप लोग दिख रहे होंगे यानी कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी और पूर्णिया और सुपौल, इस 6 जिले वाला तो जरूर से जरूर ये जानकारी सबमिट मारिए, ये जरूरी जानकारी है। और इस तरह से अगर आप लोग को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, आप लोग को फिर से ये वीडियो बताई जाएगी। और ये जो है आप लोग को बाढ़ पूर्व तैयारी यानी कि बाढ़ जो आती है उससे पूर्व तैयारी का चेक लिस्ट है, उसका चेक लिस्ट आप लोग डालिए ICDS के थ्रू जो है 2022 में ये जो है अभी अभी लॉन्च किया है यानी कि आज ही। तो इस तरह से जो है जिला प्रशासन यानी कि यूनिसेफ द्वारा जो है ये जो है लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से आज का वीडियो था, बाद बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।